दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जियो फाई में यदि बैटरी ना हो तो बिना बैटरी का उसको हम कैसे चला सकते हैं। आप देख सकते हैं, यह है जियो का बैटरी जो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, फूल चुका है, स्वेल होकर डैमेज हो चुका है और बिल्कुल भी जियो फाई में काम नहीं करता है। तो मैं भी दिखाऊंगा कि बैटरी के बिना इस जियो फाई को कैसे ऑन करेंगे। यह है हमारा जियो फाई। हालांकि इसको चार्जर से यदि कनेक्ट करेंगे बगैर बैटरी का तो यह ऑन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद अपने से बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उस विधि को अपनाएंगे तो फिर स्टार्ट होने के बाद ये कभी बंद नहीं होगा। अभी बिना बैटरी का है, आप देख रहे हैं चालू हो गया है, लेकिन यह कभी भी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा और आपको जियो फाई से मिलने वाला वाईफाई नेटवर्क नहीं मिलेगा, ये कभी भी बंद हो सकता है। तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ उस विधि से इसमें कुछ सर्किट में बदलाव करूँगा और तब यह जियो फाई बंद नहीं होगा। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले बैटरी को हम लोग डिसेंबल करते हैं। और इसके अंदर के सर्किट को निकालते हैं। इस बैटरी में अंदर में एक सर्किट होता है, माइक्रो सर्किट, और एक लिथियम बैटरी होता है। चूंकि बैटरी ख़राब हो गया है इसलिए इस बैटरी को निकाल करके हम फेंक देंगे। और इसके अंदर जो माइक्रो सर्किट है उसे काम में लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस माइक्रो सर्किट को निकालते हैं, बैटरी से अलग करते हैं। आप अपने तरीके से बैटरी को निकाल सकते हैं। बैटरी निकालते समय यह ध्यान रखना है कि बैटरी से लगा हुआ माइक्रो सर्किट डैमेज ना हो, टूट ना जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक निकालना है। तो कुछ मशक्क़त करने के बाद इस बैटरी का माइक्रो सर्किट को बाहर लाने में सफलता मिल गई है। ये रहा इस बैटरी का माइक्रो सर्किट, अच्छे से मैं दिखाता हूँ। ये रहा, इसमें आप देख सकते हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और उसके दूसरी तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इसी दोनों टर्मिनल पे हमें चार्जर से निकलने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करना है। आप चाहे तो मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है उससे वायर निकाल करके दिखाए गए सर्किट के दोनों टर्मिनल में पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर पावर बैंक से भी कनेक्ट कर सकते हैं।
ये हो गया, और अब इसे बैटरी के खांचे में लगा देना है। ये उल्टा है, इसे मैं सीधा करूँगा तब लग पाएगा। इसे मैंने सीधा कर लिया और बैटरी के खांचे में मैंने लगा लिया, और अब मैं इसे या तो एसी चार्जर से लगाऊं या पावर बैंक से लगाऊं, बात एक ही है। एसी चार्जर या पावर बैंक दोनों से 5 वोल्ट सप्लाई मिलता है, और यह जियो फाई में जाएगा और इसे ऑन कर देगा। तो पावर बैंक से निकलने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई उस माइक्रो सर्किट से होते हुए जियो फाई में जाएगा और थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं इसे ऑन करने वाला हूँ, ये पावर बटन है, और इसमें प्रेस करूँगा तभी ऑन हो जाएगा। ये जियो फाई ऑन हो चुका है, रेड सिग्नल ग्लो हो चुका है, और ये पूरी तरह से फंक्शन करेगा और अपने से कभी बंद नहीं होगा। वीडियो की शुरुआत में जो हम लोग देख रहे थे कि चार्जर से कनेक्ट करने पर ऑन तो हो गया था, लेकिन उस समय अपने से कभी भी बंद हो जाते, लेकिन अब यह बंद नहीं होगा क्योंकि बैटरी का माइक्रो सर्किट को काम में ले आए हैं। और ये जियो फाई मानकर चलेगा कि इसमें बैटरी लगा हुआ है, और इसमें सिम नहीं लगा हुआ है इसलिए इसमें नेटवर्क नहीं शो कर रहा है। सिम लगाएंगे ये पूरी तरह से काम करेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।